दोस्तों, क्या आप भी मीशो के ऊपर सेलर हैं या फिर आप फ्यूचर में सेलर बनने की सोच रहे हैं कि मीशो पर हम सेलर बनकर अच्छे खासे पैसों को कमा सकते हैं, तो ये वीडियो आपको पूरी अंत तक देखनी चाहिए क्योंकि मैं आज आपसे कुछ ऐसे सच्चाई को शेयर करना चाहता हूं कि जो कि आपको मीशो पे एज अ सेलर फेस करने को मिलेगा और आप स्ट्रांगली बिलीव नहीं करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इन सबको समझो, देन आप डिसाइड करो कि आपको मीशो पर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बाय द वे, मैं आपको एक बात शेयर कर देता हूँ कि मेरा मीशो से पर्सनली ऐसा कोई फाइट नहीं है, मुझे बस सर्विस को लेकर इश्यूज हैं जो कि मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पर्सनली मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं जस्ट एक सेलर हूँ मीशो के ऊपर और मैं चाहता हूँ कि मीशो इस वीडियो को अगर देखता है या फिर मीशो के कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ इसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करें। हम जब भी किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो हमेशा एक थॉट्स होता है कि भाई वो कंपनी आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको आगे लेकर जाएगी एज अ सेलर, क्योंकि हम सेलर्स ही नहीं होंगे तो मीशो कहाँ से चलने वाला है भाई। तो सेलर्स ही एक ऐसा मीडियम है जो कि मीशो को कंटेंट प्रोवाइड करता है जिससे कि वो अपने यूजर्स तक लेकर चला जाता है। ठीक है, मेरा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मीशो से कोई पर्सनल फाइट नहीं है, बस इतना ही चाहता हूँ कि ये जो सर्विसेज की क्वालिटी इश्यूज़ है भाई, आप उसे इम्प्रूव कर लें। आइदर आप मीशो के ऑनर हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं या फिर आप मीशो के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि आप मीशो में काम करते हैं, ऊपर तक इस बात को लेकर जाइए ताकि हमारी सपोर्ट और हमारी हेल्प हो सके। मीशो पे क्या है ना, बेसिकली देखो, आप एज अ सेलर जब ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रोडक्ट्स ऐड करने की फीचर्स मिल जाती है, आप अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स को डाल सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन जो रिटर्न्स है ना भाई, वो बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है मीशो के ऊपर और मैं अकेला बंदा नहीं हूँ जो कि फेस कर रहा हूँ। अगर आप भी सेलर्स हैं और आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि मैं आपको भी दिखाऊंगा, तो कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना भाई कि कैसे आप लोग उसे फेस कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन लॉस को माइनस में जाकर सेव करना। तो थोड़ी हेल्प करना, समझाना कैसे क्या करते हो आप लोग। हुआ क्या कि एक महीने हुए हैं हमें मीशो के ऊपर ज्वाइन किए हुए और काफ़ी अच्छे ऑर्डर्स कुछ दिनों से हमें मिलने शुरू हो गए। हमें लगा कि चलो अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं तो अच्छा इंप्रूवमेंट होगा यहाँ पर, लेकिन होता क्या है, जैसे मान लो आज के दिन पे ऑर्डर आया, पिकअप हो गया, ऑर्डर चला गया और 3-4 दिन के बाद पता चलता है कि ऑर्डर्स को कस्टमर ने कैंसिल कर दिया। मैं मानता हूँ मीशो इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कस्टमर्स जब चाहे ऑर्डर कर सकता है, जब चाहे वो कैंसिल कर सकता है, मुझे इससे कोई इश्यूज भी नहीं है। लेकिन इश्यूज तब आती है ना भाई जब आपका ऑर्डर वापस आ रहा है और ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर गायब हो चुका है, कुछ और डब्बे में भर के आपको दे दिया जाता है। समझ में आ रही मेरी बात क्या है? कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपके ऑर्डर्स जो हैं वो कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, यानी कि कस्टमर रिटर्न आपके ऑर्डर्स पे बन गया है और कस्टमर रिटर्न में भाई प्रोडक्ट ही नहीं है, कुछ और भर के भेज दिए गए। मैंने ऐसी चीज़ों को 3 बार फेस किया और मीशो जो है भाई सपोर्ट करने से साफ साफ मना कर देता है। रीज़न क्या देता है कि आपके ऑर्डर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स हैं, इस वजह से मैं आपकी कोई भी हेल्प इसमें नहीं कर सकता हूँ। अब आप बताओ मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ, अगर मुझे 15 ऑर्डर मिले, 15 में से 13 ऑर्डर जो थे वो कस्टमर ने अपने आप ही रास्ते में कैंसिल कर दिए और 3 जो ऑर्डर्स थे वो आपके जो कस्टमर ने थे वो रिटर्न कर दिए, तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हुआ? और तीनों में से सेम इश्यूज़ भाई कि आपके प्रोडक्ट्स ही गायब हो गए, एक में प्रोडक्ट्स ही नहीं है, डब्बा खाली खाली पड़ा हुआ है और एक में रिटर्न आता है, वो रिटर्न क्या आता है भाई? ये देखो किसका कपड़ा है भाई, आपका है। ये रिटर्न आया है और मैंने प्रोडक्ट जो बेचा था वो था नेकबैंड, यानी कि एक ब्लूटूथ वायरलेस नेकबैंड था हमारा और रिटर्न शैडोफैक्स लेकर आता है भाई। शैडोफैक्स की तरफ से हमें ये फटा हुआ कपड़ा जो कि आधे हाथ का कपड़ा है, भेजने वाले को इतनी भी शर्म नहीं आई भाई कि कुछ अच्छी चीज़ें या कुछ ऐसा कागजी वागज डाल के भेज दे, किसी का गंदा यूज़ किया हुआ कपड़ा इसमें डालकर वो मेरे को रिटर्न करता है। इसमें मीशो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मीशो ने एक एग्जीक्यूटिव को अपना कॉन्टैक्ट दे दिया है भाई कि आपको रिटर्न ले जाना है या फिर आपकी शिपमेंट को लेके जाना है, शैडोफैक्स। अब बात यहाँ पर क्या बनती है कि जब मैंने कस्टमर केयर में रिपोर्ट किया, टिकट राइज किया, तो कंप्लेंट को यार एक्सेप्ट करने से मना कर देता है मीशो कि मैं आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता इसमें। और सपोर्ट ना करने का रीज़न मात्र इतना है भाई कि मेरे पे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है जिसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल ही नहीं हूँ। अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी कहाँ से रिस्पॉन्सिबल हो जाती है यार। तो ये एक इश्यूज़ था। और देखो भाई, जब मैंने इस ऑर्डर को लिया था तो होता क्या, जैसे शैडोफैक्स वाला आपके घर आया, OTP मांगेगा आपसे 6 डिजिट का, वो OTP लेकर भागने लगा यार। तो मेरे को लगा कि इसके अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि क्या है ना, इस पर कुछ लिखा नहीं रहता है कि आपका क्या रिटर्न आया है। और जब कई सारे रिटर्न्स आते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि नेकबैंड का रिटर्न है या फिर ईयरफोन्स का रिटर्न है या फिर डाटा केबल का है। तो जब मैंने इसे दबाया तो मुझे ऐसा लगा भाई कुछ कुछ तो है जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट सा लग रहा है, तो मैंने तुरंत फाड़ा उसके सामने, वो गाड़ी स्टार्ट करा था, मैंने उसको कहा भैया ये क्या लेकर आए हो आप, है आगे की वीडियो देखो।
ये साइड इफेक्ट्स हैं भैया, निकालिएगा सामान उसमें से, अंदर से निकालिए इसमें। नेक बैंड की जगह देखिए भैया कपड़े आए हैं मेरे को फटे हुए, और ये लोग लेकर आए हैं साइड इफेक्ट्स की तरफ से। ये साइड इफेक्ट्स के एग्जीक्यूटिव हैं, और ये देखिए इनका एक्चुअल आईडी है। ऐसे काम नहीं कर पाएंगे अभी आपके यहाँ। हेलो, ये साइड इफेक्ट्स है ना जी? तो क्या मिला कपड़े के ये बॉक्स के अंदर? इसमें शर्ट का हाफ पीस फटा हुआ है। मेरे नेक बैंड की जगह पे इन लोगों ने मेरे को फटा हुआ ये कपड़ा दिया है, ये साइड इफेक्ट्स की तरफ से। भैया एग्जीक्यूटिव को वेरीफाई कर लीजिएगा, ये इनका गाड़ी है जिससे ये लोग आए थे। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं आप लोगों से, अगर आप सेलर हैं या फिर सेलर बनने वाले हैं तो आप लोग एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चला लो भाई, क्योंकि ये हर किसी के साथ हो रहा होगा। आज मेरे साथ हुआ है, आपके साथ कल होगा या फिर हो चुका होगा। ये हर सेलर के साथ मीशो के ऊपर हो रहा है, और मीशो इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। यानी इनका जब जब मन करेगा ना भाई, ऐसे ही झोले मेरे को भेजते रहेंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई कंपनसेशन उनके तरफ से नहीं दिया जाता, कुछ नहीं होने वाला, कोई सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। ओनली बिकॉज एक सिंपल सा रीज़न दे देंगे, हमारे इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ऐसे काम नहीं चलता। हम जो भी ऑर्डर्स हैं, हम शैडो फैक्स को नहीं जानते, हम एक्सप्रेस बीस को नहीं जानते, हम किसी एग्जीक्यूटिव को नहीं जानते। हम सिर्फ और सिर्फ मीशो के ऊपर सेल कर रहे हैं, तो हमारा जो ट्रस्ट फैक्टर है वो मीशो के साथ है कि भैया मीशो की तरफ से ऑर्डर है, मीशो की तरफ से पिकअप हो रहा है, एग्जीक्यूटिव कौन है हमें इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सिंपल सी मेरी रिक्वेस्ट है भाई, कैंपेन चलाइए आप लोग, और मीशो को उसका चेहरा दिखाना पड़ेगा भाई कि आप हम लोग के बिना कुछ नहीं। अगर सेलर्स नहीं है तो मीशो क्या बेचेगा, खुद को बेचेगा क्या? तो कुछ अच्छा करिए आप लोग, आप लोग यूनिटी बनाइए, एक होकर इसमें कुछ अच्छे एक्शंस को लीजिए, ताकि आपके साथ ये दोबारा ना हो और अकाउंट आपका माइनस में ना जाए। जब मेरे को सारे ऑर्डर्स मिले थे ना, तो 7000 समथिंग रुपए का मेरे को प्रॉफिट दिखा रहा था कि मेरे सेलिंग जो हो गई है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट जो है ना वो -1200 रुपए दिखा रहा है। कई सारा रिटर्न्स लगा है, कई सारा अदर्स तरीके से लोगों ने आरटीओ काट लिया मेरे को। तो गुस्सा यार जेन्युइन है, हर किसी को आएगा, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट लगाई है तो इन्वेस्टमेंट के लिए हम फाइट भी करेंगे। हालांकि ये फ्रॉड ऑर्डर से मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आगे भी मैं ऐसी सेल करता रहूँगा, और मेरा जो अपनी वेबसाइट है ना भाई, उससे अच्छी खासी सेलिंग आ जाती है। मीशो पे तो अभी आने शुरू हुए थे और मैंने अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ से हटा दिया है। अब मैं मीशो के ऊपर सेल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे फालतू के जो ब्रांड वाले ऑर्डर्स हैं ना, हम वहाँ पे डील नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो चीप वाले प्रोडक्ट्स हैं ना रोड साइड वाले, वो ज़्यादा अच्छे से सेल होते हैं, और उन्हीं के लिए वो बना भी है शायद। तो बाकी अपनी राय को शेयर कीजिएगा, आपको कैसा लगा वीडियोस। अगर आपके साथ भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं तो भाई कमेंट करके बताना कैसे डील करते हो आप लोग, कहाँ से विल पावर लेकर आते हो कि आप लोग इस सब चीज़ों को डील कर सको, कमेंट करना मत भूलना। फिर से मिलेगा अगले वीडियोज़ में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।